हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज़। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर यहाँ पर आई हूँ। इससे पहले भी मैंने एथिक्स के रिगार्डिंग कई वीडियोस प्रोवाइड करा दी हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देख लीजिएगा। आप लोगों के एथिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड, जो हमारा सिलेबस है वो स्ट्रिक्टली यूपीएससी के पैटर्न पर है। उसके अलावा हमारे आरएएस और यूपीपीसीएस के सिलेबस को भी ध्यान में रखा गया है और इन सभी को इंक्लूड कराने की कोशिश की गई है इन वीडियोज़ में। अभी हमारा आरएएस का एग्जामिनेशन है जनवरी के एंड में, तो आरएएस के टॉपिक्स भी स्ट्रिक्टली यहाँ पर मैंने लिए हैं, जिससे कि आप लोगों को मेंस में मदद मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये वो सभी टॉपिक्स हैं जिन्हें 99% लोग छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और बहुत इजी होते हैं समझने के लिए। अगर आप लोग एक बार समझ जाएंगे तो इन टॉपिक्स को इजीली लिख पाएंगे एग्जामिनेशन में और दूसरे लोगों से अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तो आप लोग किसी भी पीसीएस लेवल या फिर यूपीएससी लेवल के मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, मैं एजुकेटर भी हूँ अनअकैडमी पर, वहाँ पर भी मैंने जीएस के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड करा रखे हैं। अगर आप लोग वो कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर्स में कल्चरल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा, ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस भी पढ़े थे, वो सब कवर कर लिए हैं, और हम पर्सनैलिटी पे थे। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, तो पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पर्सनैलिटी में हमने क्या पढ़ा। पर्सनैलिटी को देखते हैं। स्टेबल सेट ऑफ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेंडेंसीज, जो हमारी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो हमारे ट्रेट्स होते हैं, गुण या दोष होते हैं, हमारी टेंडेंसीज होती हैं, डिटरमाइन द साइकोलॉजिकल बिहेवियर, वही हमारे साइकोलॉजिकल बिहेवियर को डिटरमाइन करती हैं, हमारा दिमाग क्या सोचता है। तो वो सारी चीज़ें हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी टेंडेंसीज, हमारे गुण और दोष पे डिपेंड करती हैं। पर्सनैलिटी इज़ एन इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक, इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, उसके अंदर क्या क्या गुण हैं, कैसे वो सोचता है, क्या वो फील करता है और क्या वो डिसीजन लेता है, एक्ट करता है पर्टिकुलर सिचुएशन में, वही उसकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होता है। इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास दो तरह के लोग होते हैं, पेसिमिस्टिक पीपल एंड ऑप्टिमिस्टिक पीपल। जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं वो किसी बुरी सिचुएशन में भी कुछ अच्छा ढूंढ लेते हैं, वो सोचते हैं कि अगर ये काम बुरा हुआ है तो इसके पीछे भी कुछ अच्छाई है या इससे भी हमारा कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे पैसिमिस्टिक पीपल होते हैं, वो किसी अच्छी सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढ लेते हैं। तो वो हमारी पर्सनैलिटी की वजह से ही होता है कि हमारे अंदर ट्रेट्स क्या हैं, हमारी टेंडेंसीज क्या हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्शन लेने की, सोचने की, समझने की। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, देखिए हमारी जो पर्सनैलिटी की थ्योरीज़ हैं ये आरएएस में पूछी हुई थ्योरीज़ हैं, मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ जिससे कि आप लोग इजीली डायरेक्टली आंसर कर सकें और क्वेश्चंस को समझ सकें। तो सबसे पहली होती है हमारी साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी में क्या दिया है, फर्स्ट ऑफ मॉडर्न पर्सनैलिटी थ्योरीज वॉज डेवलप बाय सिगमंड फ्रेड। सिगमंड फ्रेड ने सबसे पहले हमारी पर्सनैलिटी की थ्योरीज दी थी, तो इनका नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, सिगमंड फ्रेड पर्सनैलिटी की थ्योरीज सबसे पहले लेकर आए थे। अब ये क्या कहते हैं, इनके हिसाब से साइको एनालिटिकल थ्योरी में क्या है, मोस्ट बिहेवियर्स आर कॉज्ड बाय थॉट्स, आइडियाज एंड विशेज। देखिए जो भी हम बिहेव करते हैं, हमारा जो भी बिहेवियर होता है वो किसकी वजह से होता है, जो हम सोचते हैं, जो हमारे आइडियाज हैं या फिर जो हमारी विशेज हैं, जो हम बनना चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, उसी की वजह से हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। अगर हम किसी पर्सन के बारे में बुरा सोचते हैं तो हम उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते, उसे इग्नोर करते हैं या फिर उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो ये हमारे थॉट्स की वजह से ही होता है। दैट आर इन पर्सन्स ब्रेन, ये हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, बट आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल बाय कॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड।
लेकिन ये हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम उस पर्सन से इतना चिढ़ते क्यों हैं, या फिर ये सिचुएशन हमें इतनी बेकार क्यों लगती है। ये हमारे कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं। कॉन्शियस माइंड में हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ को सोचते हैं, बाकी अनकॉन्शियस माइंड में इस तरह की फीलिंग्स हमारी चलती रहती हैं, तो जो हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती हैं। द ब्रेन नोज थिंग्स दैट माइंड डजंट, मतलब ब्रेन में हमारी वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे माइंड में नहीं होती हैं। पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोस्टली रिफ्लेक्शन ऑफ अनकॉन्शियस पार्ट। तो सिगमंड फ्रॉयड कहते हैं कि जो हमारी पर्सनैलिटी है मोस्टली हमारे अनकॉन्शियस माइंड की वजह से है। कई बार हमारा बिहेवियर ऐसा क्यों हो जाता है पर्टिकुलर सिचुएशन में, हमें खुद भी नहीं पता होता है, क्योंकि वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट होता है और हम उस तरह से एक्ट कर जाते हैं। पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर्स, अब देखिए साइको एनालिटिकल थ्योरी के हिसाब से हमारी जो पर्सनैलिटी है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्रेड सजेस्टेड एन एनोलॉजी अबाउट माइंड। फ्रेड ने कहा है कि हमारा माइंड एनालॉगस है, किसकी तरह, एक आइसबर्ग की तरह। हम अपने माइंड को खुद नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हमें मेडिटेशन और अपने आप को जानने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा माइंड किसकी तरह है, एक आइसबर्ग की तरह है, एक बर्फ के बड़े से टुकड़े की तरह है जो कि ओशियन में तैर रहा है। और तैरता भी वो कैसे है, 10% वो ओशियन के ऊपर होता है, बाकी 90% वो ओशियन के नीचे होता है, ओशियन के वाटर के नीचे होता है। मतलब 10% वो अनकवर्ड होता है और बाकी 90% वो कवर्ड होता है वाटर से। इसी तरह से हमारा माइंड होता है, जिसे हम सिर्फ 10% जानते हैं, बाकी 90% हम उसे नहीं जानते हैं, वो अनकॉन्शियस पार्ट होता है। तो हमारा बिहेवियर भी क्या होता है, हम अपने बिहेवियर को नहीं समझ पाते हैं कई बार। 10% बिहेवियर कॉज बाय कॉन्शियस अवेयरनेस, 10% तो हम कॉन्शियस अवेयरनेस की वजह से बिहेव करते हैं। देखिए जब हम कहीं जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं या फिर किसी मीटिंग में जाते हैं, तो हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि हमें यहाँ पे अच्छे से ही रहना है, लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट करना है, अच्छे से बात करनी है। तो ये बिहेवियर हमारा 10% की वजह से है, जो कि हम जानते हैं हमें ये करना है। लेकिन कई बार क्या होता है, सिचुएशन ऐसी आ जाती है जो हमारा अनकॉन्शियस बिहेवियर होता है वो सामने रिवेल हो जाता है। अबाउट 90% बाय अनकॉन्शियस फैक्टर्स, और जो 90% बिहेवियर होता है हमारा वो अनकॉन्शियस फैक्टर्स की वजह से ही होता है, इसलिए हमें अपने माइंड को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली अनकॉन्शियसनेस गाइड्स अस, जनरली हमें अनकॉन्शियसनेस ही गाइड करती है। जो हम डेली बेसिस पे अपने बिहेवियर में लाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट हो जाता है और हम उसी तरह से बन जाते हैं। माइंड कुड बी डिवाइडेड इंटू 3 एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरीज। अब हमारा माइंड 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, आइडेंटिटी, ईगो, सुपर ईगो। अब हम इन्हें देखते हैं अलग अलग, ये होते क्या हैं। आइडेंटिटी, टू हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ पर्सनैलिटी डेवलप्स, हमारी पर्सनैलिटी किस तरह से डेवलप करती है, वर्क करती है, एंड हाउ मेंटल इलनेस कैन डेवलप, और हमारा दिमाग इल भी हो जाता है, कई बार ख़राब हो जाता है, हम नेगेटिव नेगेटिव सोचते रहते हैं, यही हमारा मेंटल इलनेस का पार्ट होता है और यही हमें डिप्रेशन में भी ले जाता है, ऐसी सिचुएशंस में ले जाता है कि हम मेंटली इल हो जाते हैं। तो अब हमारे पर्सनैलिटी के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द आईडी, सबसे पहले आती है हमारी आईडी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में आता है कि हम क्या हैं, हम एक ह्यूमन बीइंग हैं सबसे पहले, तो जो हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, हमारी बॉडी की नीड्स हैं, वो आईडी में आती हैं और वो हमें चाहिए ही चाहिए, उनके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जैसे इंक्लूड अवर बेसिक इंस्टिंक्ट्स, इनबॉर्न डिस्पोजिशंस, एनिमलिस्टिक अर्ज, जो हमारी बॉडी की एनिमलिस्टिक अर्ज होती है, जैसे हमें भूख लगती है, नींद आती है, तो ये सारी चीज़ें हम करते ही हैं, ये हमारी एनिमलिस्टिक अर्ज है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। फ्रॉयड सेड आईडी इज़ टोटली अनकॉन्शियस, और आईडी हमारी पूरी तरह से अनकॉन्शियस होती है, हमें खुद नहीं पता होता है। हमें भूख लगती है, हम थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर खाना ना मिले तो गुस्सा आने लगता है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। आईडी इज़ नॉट रेशनल, ये हमारी कोई रेशनल नहीं होती, जो हम इमेजिन करते हैं, जो ड्रीम करते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, वो हमारे आईडी में आ जाता है।
इट एम्स टूवर्ड प्लेजर प्रिंसिपल, मतलब ये प्लेजर की तरफ ही इंडिकेट करेगी, ये कोई हार्म नहीं लेना चाहती अपने ऊपर, ये चाहती है कि बस हम खुश रहें, अपने आप को खुश करना चाहती है। अवे फ्रॉम पेनफुल थिंग्स, इट इंक्लूड फीलिंग ऑफ हंगर, भूख लगना, प्यास लगना, और हमारी जितनी भी नेचुरल बॉडीली डिज़ायर्स हैं वो हमारी आईडी के अंदर आती हैं, तो ये हमारा अनकॉन्शियस पार्ट है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ईगो, अब सेकंड पार्ट आता है हमारा ईगो। फ्रॉम लैटिन वर्ड आई और सेल्फ, ईगो का क्या मतलब होता है, या तो आई या मैं खुद। ईगो इज पार्टली कॉन्शियस एंड पार्टली अनकॉन्शियस, ईगो हमारा आधा कॉन्शियस होता है और आधा अनकॉन्शियस होता है। ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू रियलिटी प्रिंसिपल, ये रियलिटी पे वर्क करता है, मतलब ये इमेजिनरी और रियलिटी चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर सकता है। हम अपने ड्रीम्स में कुछ भी सोच सकते हैं कि हम ये हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन जो हम रियलिटी में हैं और जो हम रियलिटी में कर रहे हैं, तो वो ईगो हमें डिफ्रेंशिएट करना समझाता है कि हम ये नहीं है रियलिटी में, हम ये सिर्फ ड्रीम्स में हैं। तो ये सारी चीज़ें ईगो से आती हैं। जजिंग द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी, इमेजिनरी और रियल में ये डिफरेंस बताता है और हमें रियल लाइफ में जीने के लिए मोटिवेट करता है, जिससे कि हम रियल लाइफ में एक्शन ले सकें। नेक्स्ट आता है सुपर ईगो। अब सुपर ईगो कौन सा पार्ट होता है, मीन्स अबव द ईगो, ये ईगो से भी ऊपर होता है, इंक्लूड मॉरल आइडियाज़, और यहाँ पे हमारे मॉरल आइडियाज़ आते हैं। मॉरल आइडियाज़ में क्या होता है कि हमें मॉरली सही एक्ट करने हैं, मतलब हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जो हमें गलत फील कराए, गिल्टी फील कराए, तो ये सब हमारे सुपर ईगो में आते हैं। और ये धीरे धीरे एक पर्सन सोसाइटी से लर्न करता है और चीज़ों से लर्न करता है, अपने कलीग से लर्न करता है, स्कूल में लर्न करता है, अपने पेरेंट्स से लर्न करता है। गिव फीलिंग ऑफ प्राइड, हमें खुशी होती है, अपने ऊपर गर्व होता है कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं, और फीलिंग ऑफ गिल्ट व्हेन वी डू समथिंग रॉन्ग, और जब हम कुछ गलत करते हैं। तो सुपर ईगो हमारा एथिक्स से रिलेटेड है, यहाँ पर हमारी जो लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं, और ये हमारा पार्टली कॉन्शियस और पार्टली अनकॉन्शियस होता है। पार्टली कॉन्शियस कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, हमारी आईडी को अच्छी लगती हैं, लेकिन वो मॉरली गलत हैं, तो हमें वो नहीं करनी होती हैं। तो यहाँ पर ये सुपर ईगो हमें डिफ्रेंशिएट करता है और बताता है कि क्या हमारा सही है, क्या गलत है, किस पाथ को हमें फॉलो करना है। अब देखिए, हमारे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं, मोस्ट ह्यूमन सफरिंग्स डिटरमाइन ड्यूरिंग चाइल्डहुड डेवलपमेंट, और जो हमारे साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट है उसकी 5 स्टेजेस हैं, जब हम छोटे होते हैं, जब हम 1.5 से 3 साल के होते हैं, फिर हम 3 से 5 साल के होते हैं, फिर 5 से 12 साल के होते हैं, और 12 साल के बाद हम एडल्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा डेवलपमेंट होता है, इस तरह से हमारी साइकोलॉजी डेवलप होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, और ये आप लोगों के आरएएस मेंस में आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है अभी के लिए, और यूपीपीसीएस मेंस में भी। थैंक यू सो मच, अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आती रहूँगी।